असलम गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम जो डैट्स मूव 2016 एंड ऑनवर्ड जो मॉडल है, इसकी नंबर प्लेट के ऊपर जो लाइट लगी हुई होती है, नंबर प्लेट इल्यूमिनेट करने के लिए, उसको चेंज करेंगे। मेरी भी फ्यूज़ हो गई थी फॉर सम रीज़न, क्योंकि आजकल धुंध पड़ रही है और मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा है, तो वो शॉर्ट आउट हो गई है। तो मैंने इसको चेंज तो कर दिया है, लेकिन आई जस्ट शो यू कि आप खुद घर में बदल लें, रादर देन गिविंग 100 या 150 रुपीज़ टू मैकेनिक और इलेक्ट्रिशियन, आप खुद घर में बदल लें इसको। ये देखें, ये दोनों लाइट्स ऑन हैं। इस लाइट को चेंज करने के लिए आपको एक फिलिप्स हेड स्क्रू ड्राइवर चाहिए होगा, ठीक है, ये देख लें आगे से इसको। और आपको एक बल्ब चाहिए होगा, विच इज़ 12 वोल्ट 5 वाट पार्किंग बल्ब। ये फ्यूज़ हुआ बल्ब है, ठीक है, इस तरह की शक्ल है इसकी, आपको ये चाहिए, ठीक है। ये 10 रुपीज़ का आता है सिर्फ। खोल के इसको लोकेट करें, इसके पेज, ये दो पेज हैं यहाँ पे। अब आप इसके पेज को खोल लें, ये जो कवर है, जब इसको उतारेंगे तो धो भी लेना। ये लाइट है इसके अंदर, इसको आप पुल आउट कर लें डायरेक्ट, ये देख लें, ठीक है। उसके बाद आप जो सही वाला बल्ब है वो लगा दें इसमें, और जिस तरह खोला था उसी तरह उसको कवर रख के इसको साइड पे स्लाइड कर दे। सॉरी, मैं एक हाथ से कर रहा हूँ बिकॉज आई एम होल्डिंग अ कैमरा, तो इट्स अ बिट डिफिकल्ट, बट ठीक है, लग गया। मैंने थोड़ा इसको जूम इन किया है आपको दिखाने के लिए कि इसमें नीचे एक होल होता है इस तरह का, ठीक है, दोनों लाइट्स के नीचे है। यह आपने इसको बंद नहीं करना, उसकी रीज़न ये है कि इस होल से ना जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है, जो पानी अंदर जमा होता है, वो बाहर ड्रिप करता है इससे, ठीक है, कि अंदर इसके पानी ना जमा हो जाए। हमारी पाकिस्तानी कार्स में नहीं है ये, इस तरह होल नहीं होता लाइट्स में, तो उनके अंदर पानी जमा होता है। अगर उनका कहीं से साइड से कहीं सील लीक हुई भी हो या लाइट टूटी भी हो, तो पानी लीक अंदर, सॉरी पानी चला आता है अंदर, और फिर अंदर ही रहता है। उस तरह बल्ब का जो होल्डर होता है उसमें आपका जंग लग जाता है और वो बल्ब जो है आपका शॉर्ट आउट हो जाता है, ठीक है गाइस। और गाइस, ये थी आज की वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।